करवा चौथ का व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से रखती है, तो उनके पति की दीर्घायु होने के साथ ही उनके मार्ग में आने वाली सभी कष्ट व बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनके पति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला के पति का जीवन खुशियों से भर जाता है। उसकी सभी बाधाएं व समस्याएं भी करवा चौथ के व्रत के फल के कारण समाप्त हो जाती हैं। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। शास्त्रों की माने तो यह व्रत देवताओं की पत्नियों ने भी रखा था और इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत काल में देखने को मिलता है। वैसे तो करवा चौथ व्रत को लेकर बहुत सी कथाएं व कहानियां प्रचलित है। इसमें से एक माता पार्वती और महादेव से भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने ही महादेव के लिए रखा था। आज की वीडियो में हम आपको माता पार्वती और महादेव की इसी कथा के साथ करवा चौथ की अन्य कथाओं के बारे में भी बताएंगे। माता पार्वती ने रखा महादेव के लिए करवा चौथ व्रत। पौराणिक कथाओं की माने तो सबसे पहले माता पार्वती ने ही महादेव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें महादेव पति के रूप में प्राप्त हुए और इसके साथ ही उन्हें अखंड सौभाग्य का भी वरदान मिला। कहते हैं कि करवा चौथ के व्रत के दिन माता चौथ की पूजा करने के साथ ही यदि कोई महिला महादेव और माता पार्वती की परिवार सहित पूजा अर्चना करती है, तो उसे अखंड सौभाग्य के साथ दोनों के बीच आपसी प्रेम बने रहने का भी वरदान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से परिवार में आने वाले दुख भी दूर हो जाते हैं और घर परिवार के सदस्यों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और उनका विश्वास बढ़ता है। परिवार में खुशियाँ आती हैं और सभी कलह व लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा देव ने कहा था करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ा, तो सभी कोशिशों के बावजूद एक एक कर सभी देवता हार रहे थे, जिसके फलस्वरूप असुर देवताओं पर हावी होने लगे। तभी ब्रह्मा देव ने देवताओं की पत्नियों से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा, जिसके बाद सभी देवताओं की पत्नियों ने माता चौथ का यह व्रत रखा, जिसके कारण देवताओं को इस युद्ध में असुरों पर विजय प्राप्त हुई। कहते हैं इसी के बाद से ही कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। द्रौपदी ने भी रखा था करवा चौथ का व्रत। जैसा कि हमने बताया, करवा चौथ के व्रत की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए, तभी अन्य पांडवों पर तरह तरह के संकट आने लगे, जिससे बचने के लिए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं कि द्रौपदी ने विधि विधान पूर्वक माता चौथ का व्रत रखा और साथ ही महादेव व माता पार्वती की परिवार सहित पूजा अर्चना की, जिसके कारण न केवल द्रौपदी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई, बल्कि पांडवों पर आने वाले सभी संकट नष्ट हो गए और पांडवों को उनके जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, इस तरह करवा चौथ का व्रत रखने से न केवल सुहागिन महिलाओं के पति की आयु लंबी होती है, बल्कि उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट व बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है।